स्टार्ट आर एस वाइट का प्रपोज 1969 फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन सेल टाइप्स सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न न्यूट्रिशन देर आर फाइव क्राइटेरिया। फर्स्ट मोनेरा, मोनेरा इज सेल टाइप प्रोकैरियोट्स होता है। सेल वॉल जो होता है वो नॉन सेलुलोसिक एमिनो एसिड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल सेलुलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। केमोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, हेटरोट्रॉपिक, सेफ्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। देन आफ्टर प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा यूकेरियोट्स में होता है और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक पैरासाइटिक सॉरी ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। थर्ड आता है फंगाई। फंगाई यूकेरियोटिक होता है और इसका सेल वॉल चिटिन का होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एमएलटी मतलब मोटाई लूज मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक सेफ्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। प्लांटे में क्या होता है, प्लांटे में यूकेरियोट्स होता है और सेल वॉल सेलुलोसिक होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। टिश्यू जो होता है इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक। एनिमिलिया में क्या होता है, यूकेरियोट्स होते हैं और ये भाई सब सेल वॉल जो होता है इसमें एब्सेंस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका टिश्यू लेवल ऑर्गन सिस्टम होता है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होलोजिक एंड सेप्रोफाइटिक। थैंक यू।